जब सुपर स्ट्रक्चर का काम होता है तो दो पाया की वजन एक ही पर दिया जाता है, तो मतलब ये नहीं कि पुल को पूरा सिक्की के तरह बनाया जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस पिलर के नीचे पानी के अंदर, जमीन के अंदर पुल का जो अंदर पाइलिंग जो कम रहता है वो एक ही रहता है, बस पानी के बेस से ऊपर इसको दो भागों में बांट दिया है। तो दोनों भागों को बांटा है तो मिलाने पर पुल की अच्छी मोटाई हो जाती है। तो कुछ व्यक्तियों को यही चीज समझ में नहीं आता है कि इतना पतला क्यों बनाया है। ये ऊपर में पानी के लेयर से ऊपर इस तरह रहता है, पानी के नीचे जमीन के अंदर पुल का बेस गहराई में एक ही रहता है। काम कहीं नहीं चालू है, पूरा ठप है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम प्रोजेक्ट। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने वाले एसपी शिमला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिल्ली हरियाणा पंचकुला की है। इस कंपनी ने कई बार कई जगह पुल बनाया है तरह तरह के, लेकिन यहाँ पर ये सक्सेस नहीं हो रहा है। पिछले कई वर्षों से, पिछले वर्ष आंधी तूफान में सुपर स्ट्रक्चर ढह गया और इस बार 40 डिग्री टेम्परेचर करी धूप में पुल गिर गया तीन पिलर। इस कामों में सिर्फ एसपी शिमला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दोष नहीं है, इसके अंदर कई तरह की आदमी सटा रहता है। मुंशी, ठेकेदार, हर विभाग, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग काम होता है। उस डिपार्टमेंट को अपना अपना कामों पर निगरानी रखना है, काम करना है। जो कि सही से काम नहीं किया, जिसका नतीजा पिछले वर्षों से आज तक ये देखने को मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर सीबीआई जांच का मांग किया है। बहुत जल्द सीबीआई जांच शुरू हो जाएगा। सीबीआई जांच किसी आम पब्लिक, किसी कंपनी ठेकेदार को पता नहीं चलता है, लेकिन सीबीआई काम चल रहा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं पता होगा, नहीं चलेगा, तब तक ये पता नहीं चलेगा आखिर कौन सा विभाग, आखिर कौन सा व्यक्ति इस पुल में इतना बड़ा घुसखोरी या घपलाबाजी किया है, वो पता चलेगा। जैसे इस चीज को पता चलेगा उसके ऊपर एक्शन पूरा रहेगा कंफर्म। पिछला बार जो आंधी में जो गिरा है वहाँ पर इंजीनियर लापता हो गया है, अभी तक कोई पता नहीं चला है, कोई हड्डी गुड्डी नहीं मिला है, अब तक मामला पुष्टि नहीं हुआ है। हो सकता है इसमें भी कोई इंजीनियर लापता गपत गोल हुआ होगा, लेकिन ये खबरें अब तक निकल कर नहीं आ रही है, खुलासा नहीं हो रहा है। आखिर कौन सा शक्ति इस्तेमाल हुआ है, आखिर कोई ना तो कोई गलती होगा। जो कि 17 करोड़ रुपया की लागत खर्च से बन रही थी, इतना बड़ा नुकसान हुआ। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए G2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई इस वीडियो में जुड़ने के लिए।